पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं बूथ पर और पर्ची ली है बकायदा। विज साहब, मतदान यानी के पेपर है, रिजल्ट आएगा 4 को? हाँ, आज का दिन बहुत शुभ दिन है। मैं सबको मतदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि अपना वोट अवश्य डालें जी। ये प्रजातंत्र में आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। दावे 10 की 10, 11 विधानसभा। अभी नायब सिंह सैनी कह रहे थे 11 कमल खिलेंगे। बिल्कुल 11 खिलेंगे, 11 कमल खिलेंगे। किसी और पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ पर। मुद्दे क्या रहे आपको लगता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान नहीं बचेगा, आप लोगों ने कहा विपक्ष विपक्ष, लेकिन आपको पूरे इतना एक्सपीरियंस है, इस बार का इलेक्शन अलग किस तरह से? देखिए, इस बार का इलेक्शन अलग इसलिए है कि इस बार के इलेक्शन एक तरफा है, सिर्फ मोदी जी खड़े हैं, उनके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा। जब बताए इनका उनके मुकाबले में कौन है? जनता कन्विंस है आपके कामों से? बिल्कुल कन्विंस है। तो ये थे अनिल विज और कहा कि जनता कामों से कन्विंस है। आप देख सकते हैं वोट डालने अनिल विज अंदर जा रहे हैं, अभी अपनी वोट कास्ट करेंगे और न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा 10 नहीं 11 कमल है क्योंकि विधानसभा जो है करनाल उसमें भी उपचुनाव हो रहा है। तो अभी आप देखिए, तो अंदर अभी अनिल विज वोट डालने जा रहे हैं, आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। और दावा, क्योंकि हर एक जो नेता है वो दावा करते हैं कि 11 कमल खिलेंगे, जिस तरह सुबह नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोदी के मुकाबले कोई नहीं है, मोदी के चेहरे के मुकाबले कोई नहीं है, ये दावा किया कि पूरी जो 10 लोकसभा सीटें हैं और 11वां जो विधानसभा की सीट है वो भी बीजेपी जीतेगी, दावा किया अनिल विज ने। और इस समय वो अपना जो बूथ है उनका वहां पर वो वोट डालने जा रहे हैं अनिल विज। बकायदा बूथ पर आकर उन्होंने पर्ची ली और हमेशा एक दावा किया जो करते हैं कि 10 लोकसभा और 11वीं करनाल जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर वो सीट जीतेंगे। और इस तरह से तस्वीरें देखिए कि आप, बूथ के बाहर का नजारा है ये जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, अंदर वो जो वोट डालने गए हैं, अपने मत का जो प्रयोग है। उससे पहले ग्रेट खली को सुना आपने कि मतदान करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और अभी आप देखिए अनिल विज जो है वो पहुंचे हैं बूथ के अंदर, की तस्वीरें आप देख रहे हैं अनिल विज को कैमरे पर, वोट डाल रहे हैं अनिल विज। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं बूथ पर और पर्ची ली है बकायदा। विज साहब, मतदान यानी के पेपर है, रिजल्ट आएगा 4 को? हाँ, आज का दिन बहुत शुभ दिन है। मैं सबको मतदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि अपना वोट अवश्य डालें जी, ये प्रजातंत्र में आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। दावे 10 की 10, 11 विधानसभा। अभी नायब सिंह सैनी कह रहे थे 11 कमल खिलेंगे। बिल्कुल 11 खिलेंगे, 11 कमल खिलेंगे। किसी और पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ पर। मुद्दे क्या रहे आपको लगता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान नहीं बचेगा, आप लोगों ने कहा विपक्ष विपक्ष, लेकिन आपको पूरे इतना एक्सपीरियंस है, इस बार का इलेक्शन अलग किस तरह से? देखिए, इस बार का इलेक्शन अलग इसलिए है कि इस बार के इलेक्शन एक तरफा है, सिर्फ मोदी जी खड़े हैं, उनके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा। जब बताए इनका उनके मुकाबले में कौन है? जनता कन्विंस है आपके कामों से? बिल्कुल कन्विंस है। तो ये थे अनिल विज और कहा कि जनता कामों से कन्विंस है। आप देख सकते हैं वोट डालने अनिल विज अंदर जा रहे हैं, अभी अपनी वोट कास्ट करेंगे और न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा 10 नहीं 11 कमल है क्योंकि विधानसभा जो है करनाल उसमें भी उपचुनाव हो रहा है। तो अभी आप देखिए, तो अंदर अभी अनिल विज वोट डालने जा रहे हैं, आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। और दावा, क्योंकि हर एक जो नेता है वो दावा करते हैं कि 11 कमल खिलेंगे, जिस तरह सुबह नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोदी के मुकाबले कोई नहीं है, मोदी के चेहरे के मुकाबले कोई नहीं है, ये दावा किया कि पूरी जो 10 लोकसभा सीटें हैं और 11वां जो विधानसभा की सीट है वो भी बीजेपी जीतेगी, दावा किया अनिल विज ने। और इस समय वो अपना जो बूथ है उनका वहां पर वो वोट डालने जा रहे हैं अनिल विज। बकायदा बूथ पर आकर उन्होंने पर्ची ली और हमेशा एक दावा किया जो करते हैं कि 10 लोकसभा और 11वीं करनाल जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर वो सीट जीतेंगे। और इस तरह से तस्वीरें देखिए कि आप, बूथ के बाहर का नजारा है ये जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, अंदर वो जो वोट डालने गए हैं, अपने मत का जो प्रयोग है। उससे पहले ग्रेट खली को सुना आपने कि मतदान करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और अभी आप देखिए अनिल विज जो है वो पहुंचे हैं बूथ के अंदर, की तस्वीरें आप देख रहे हैं अनिल विज को कैमरे पर, वोट डाल रहे हैं अनिल विज।